हमारी गर्म हो गई है, देख सकते हो धुआं दे रहा है। तो चलिए साग डालते हैं, इसके अंदर डाल दिया है और इसमें से धुआं भी निकलने लग गया है। अब क्या करें, नरम हो जाएगा और पानी छोड़ने लग जाएगा तो ये नहीं बन सकता और मोटा ही बनेगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। और अगर आपको वीडियो, हाँ ले आओ पानी, गुड मेरा बेटा, शाबाश, पानी ले आओ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक है। तो आज बनेगा चिकन, तो पापा जी चिकन लेके आए हैं और बोल रहे हैं मुझे बना के दो चिकन। आज मैं चिकन खाऊंगा क्योंकि मैं हर बार मेरा छोटा भाई बनाता है तो आज मैं बना रहा हूँ और मेरे घर वाली चिकन नहीं खाती, इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है। तो मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक कुछ काट लिए और प्याज काट लिए। साधारण बनाऊंगा, ज़्यादा ताम झाम नहीं रखूँगा, थोड़ा ही रखूँगा। तो यहाँ पर मैंने खड़े मसाले और यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट और खड़ा लहसुन डाल लिया। मुझे खड़ा लहसुन मीठे में अच्छा लगता है इसलिए मैंने खड़ा डाल लिया है। तो चलिए बनाएंगे आज हम मीट। और यहाँ पर चाय बन रही है, पापा बैठे हुए ससुर पर चाय पीने के लिए, तो पहले वो चाय पियेंगे उसके बाद यहाँ पर चिकन खाएंगे। तो यहाँ पर मैं मसाला भूज रहा हूँ, उनसे बात भी कर रहा हूँ। और सुक्कू देखो यहाँ पर अपना हींग का लेके आ गए डब्बा, उसको करने के लिए पता नहीं क्या लेके डब्बा घूमता रहता है ये। तो चलिए फिर हम चिकन बनाते हैं। और यहाँ पर चाय भी उबल रही है, पापा को चाय भी देनी है। तो चिकन धो के मैंने रख दिया है और यहाँ पर मसाला तैयार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा मसाला भून चुका है और इसमें मैंने मसाला डाल दिया, अपने घर का मसाला डाला है। और ये इसको फ्राई करते हैं, तो थोड़ा सा मसाला पक जाए, थोड़ा सा इसमें ब्राउन आ जाएगा, तो इसको मीट डाल के हम सेक देंगे। सिद्धू यहाँ पर नीचे अपना कार्रवाई में लगा हुआ, खेलने में लगा हुआ है। यहाँ हमारा चिकन मैंने रख दिया है, सीटी लगा दी है रखने के लिए। तो चलिए फिर फटाफट इसको रख देते हैं बनने के लिए। और जब तक ये बनेगा तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फ्राई कर दिया है। और चलिए फिर मिलते हैं आपको। दोस्तों हमारा चिकन तो बन के तैयार हो गया है, अब सुग्गू के लिए बना रहे हैं हम खिचड़ी, जिसके अंदर मैंने आलू, हल्की सी प्याज और यहाँ पर कुछ वेजिटेबल और यहाँ पालक और कुछ वेजिटेबल डाल के और यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया, उसके लिए बनाने चल रहे हैं खिचड़ी। अब सुग्गू की खिचड़ी बनाएंगे, हम लोग तो ये खा लेंगे तो वो क्या खाएगा, उसके लिए बनाएंगे खिचड़ी। चलिए बनाते हैं खिचड़ी, मैं बनाऊंगा देसी घी से खिचड़ी। तो उसके लिए सुक्कू के लिए वेजिटेबल सारी काट लिए मैंने। चलिए अब इसको देंगे हल्का सा जीरा और घी और प्याज का फ़ौरन, उसके बाद वेजिटेबल को फ्राई करेंगे और हल्का सा इसमें हल्दी वगैरह डालेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद इसकी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए आज गर्म हो गई है तो चलते हैं, घी डालते हैं इसमें। एक स्पून घी, एक चम्मच घी डालेंगे। तो इसमें मैंने घी डाल दिया और इसे फ्लेम थोड़ा कम कर देंगे। तो दोस्तों मैंने सारी वेजिटेबल डाल दी है यहाँ पर, देख सकते हो। और हल्की आँच पे इसको बिल्कुल ही हल्के हल्के फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और इसके अंदर डाल लेंगे हल्दी, अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने इसमें हल्दी और नमक डाल दिया, पर हल्दी और नमक डालेंगे। चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। और चलिए इसको चावल भी निकालना है, इसमें एक छोटी सी कटोरी निकालेंगे। और दाल डाल ले ली हमने थोड़ी सी, अब लेंगे थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल ले लिए। अब इसको इसमें हमने चावल डाल दिया, देख सकते हो बिल्कुल हल्का चावल डाला। इसको हल्के से फ्राई करेंगे। चलिए इसको बनने के लिए रखते हैं। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ओट्स, इतना सही बस, थोड़ा गाढ़ापन आने के लिए। चावल और ओट्स डाल दिया है, अब डालेंगे इसके अंदर पानी। अच्छे से चला लेते हैं, फिर पानी ऐड करेंगे और फिर सीटी लगा देंगे। पानी ऐड करके सीटी लगा देंगे और फिर बन जाएगा, और बनेगा तो आपको दिखाएंगे जब सुक्कू खाएगा। तो हमारा चिकन भी रेडी हो चुका है, अब ये खिचड़ी भी बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, अब मैं आऊँगा नहा धो के, जब खाने बैठेंगे जब आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हम नहा के आ चुके हैं और देख सकते हो यहाँ पर मेरे कैमरे के पास दिख रहा होगा, स्क्रीन कार्ड चढ़वाया था कैमरे का, वो तोड़ दिया है सुक्कू ने। ये लेटा देखो तोड़ के, इसने ऐसे घुमा के फोन पे का फुक 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 टूट गया। अब इसमें नया लगवाएंगे कैमरे वाला स्क्रीन कार्ड, 150 रुपये का लगता है, इतना छोटा सा वो 150 रुपये का स्क्रीन कार्ड है फ़ोन का। हाँ तुझे क्या मालूम, देखो क्या कर रहा है। तो चलिए मैं नहा लिया और सुग्गू भी नहा लिया, हम दोनों नहा लिए हैं सुग्गू। चलिए फिर खाना खाएंगे, और बनाया है मीट सुग्गू ने तो अपनी खिचड़ी खा ली। मैं नहाने गया था तो इसकी मम्मी इसको खिचड़ी खिला रही थी, खा चुका है, खा के आराम से मस्त होकर लेटा हुआ है, मस्त होके लेटा हुआ बिल्कुल ही। चलिए फिर हम भी खाते हैं और देखते कैसा बना है। तो थोड़ी देर अभी इसकी मम्मी नहाने गई है, जब तक मैं इसको संभालता हूँ, फिर आएंगे दोनों हम साथ में खाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको सुलाने की कोशिश करते हैं, मतलब मैं तो बाबू को सुलाने जा रहा हूँ,
बाबू को सुलाने जा रहा हूँ। सो जा बाबू, बाबू सो जाए। तुम नहीं सो, नहीं बाबू को सुलाएंगे ना, तुम नहीं सो रहे तो बाबू सोएगा। चलो छोड़ो, बाबू को सुला दो। सो जा बाबू सो जा, नहीं बाबू नहीं सोएगा, तुम भी सो जाओ, तुम भी लेट जाओ, तुम भी लेट जाओ, लेट जाओ, तुम भी लेट जाओ, ऐसे लेट जाओ, बाबू के साथ लेट जाओ, बाबू के साथ ले, बाबू को पकड़ लो, बाबू को पकड़ लो, ना पकड़ लो, आओ बाबू को लेटा लो, लेटो, लेट जाओ। A few moments later। तो दोस्तों फाइनली हमारा चिकन बन गया था और अभी हम चिकन खाने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा चिकन में पानी ज़्यादा हो गया, देख सकते हो आप, तो चलिए खाते हैं। तो दोस्तों आज बनेगा साग। तो यहाँ पर हमने साग को सफ़ा कर लिया है और सफ़ा करके फिर इसको ले चलेंगे छत पे। बीच वाले कमरे में मैंने चूल्हा रखा हुआ है, बनाया था छठ पूजा में, उसी चूल्हे पे बनाएंगे साग और मक्के की रोटी। तो साग को हमने सफ़ा कर लिया है, बस थोड़ा सा रह रहा है, अब इसको धोएंगे और काटेंगे और फिर लेके चलेंगे। तो चलिए फिर आटा भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मक्के का आटा लिया है और सारी तैयारी कर लेते हैं और तैयारी करने के बाद चलेंगे ऊपर। मक्के का आटा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल साफ़ है, इसको बस खाली गूंद लेना है। तो चलिए मिलते हैं आपको सीधा ऊपर चूल्हे के पास। तो फाइनली दोस्तों हम चूल्हे को जलाने में कामयाब हो गए और यहाँ पर चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी और संगीता वहाँ पर आटा गूंद रही है और मैंने यहाँ पर साग को धो लिया है। तो चलिए अभी साग को धुले हुए साग को रख बनाते हैं और यहाँ पर कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, देख सकते हो धुआं दे रहा है। तो चलिए साग डालते हैं इसके अंदर और आपको दिखाते हैं कि चूल्हे पर साग कैसा बनता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कि आप हमें कमेंट में बताना। और सुग्गू भी मेरे साथ साग बनवा रहा है तो बहुत खुश है ये चूल्हे को देख के, क्योंकि इसने पहली बार कुछ ऐसा देखा। छठ पूजा में जब इसने चूल्हा बनाया था तो ये सो रहा था और उस पर खाना बनाया था जब भी ये सो रहा था। तो दोस्तों मैंने इसमें देख सकते हो साग मैंने डाल दिया है और इसमें से धुआं भी निकलने लग गया है। अब क्या करेंगे, इसको ढक देंगे और ढकने के बाद क्या होगा, ये साग बिल्कुल ही नरम हो जाएगा और पानी छोड़ने लग जाएगा तो ये नीचे दब जाएगा। और सुग्गू मेरे साथ बैठा हुआ साग बनवा रहा है और इसकी मम्मी यहाँ पर आटा गूंथ के तैयार कर रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो साग ने पानी छोड़ दिया है और छोड़ने के बाद इसमें पानी देख सकते हो नीचे कितना सारा पानी हो चुका है। और यहाँ पर मैंने देख सकते हो मिर्ची और लहसुन काट के रखा हुआ है, इसको बाद में घी से इसको फौरन देंगे। तो घी भी यही रखा हुआ और नमक वमक सब यहीं रखा तैयार करके, मैं पहले ही सब कुछ लेके ऊपर आ गया था कि बार बार मुझे नीचे ना जाना पड़े। तो यहाँ पर देख सकते हो साग मेरा पानी बिल्कुल छोड़ दिया है। चलिए इसको सुखाएंगे थोड़ी देर और फिर इसका फौरन देंगे। तो यहाँ पर हमारा साग देख सकते हो बिल्कुल पानी छोड़ के हल्का सूखने लगा है। अब इसको बिल्कुल सुखा के फिर हमारा साग तैयार हो जाएगा तो आपको दिखाएंगे और फिर बनाएंगे रोटी। तो चलिए फाइनली हमारे को रोटी की भी तैयारी होगी। यहाँ पर मैंने देख सकते हो रख दिया अपना तवा, गर्म हो रहा है और संगीता और मैं यहाँ पर रोटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पहली रोटी मैं बना रहा हूँ तो संगीता मेरी वीडियो बना रही है, देख सकते हो। यहाँ पर मैंने रोटी हाथ पे बना रहा, बेलन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हाथ से ही बनेगा, बेलन से नहीं बन सकता और मोटा ही बनेगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट और शेयर कर देना। और अगर आपने अभी सर्दियों में मक्की की रोटी और सरसों का साग खाया है तो मुझे कमेंट में बता देना। तो देख सकते हो हमारा यहाँ पर बनके तैयार हो रहा है और जब खाएंगे तो आपको दिखाएंगे। अभी इतना आटा पड़ा हुआ है हमारे पास तो पूरा बनाना है संगीता और मुझे। तो चलिए फटाफट हम इसको बना लेते हैं और बनाने के बाद मिलेंगे आपको। और रोटी देख सकते हो किस तरीके से बन रही है और तवे पर बहुत अच्छी लग रही है बनते हुए। और सुग्गू भी यहीं बैठा हुआ है हमारे पास ही, तो वो भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस ले रहा है और पहली बार है मैं जो पहली बार बना रहा हूँ। वैसे तो मम्मी बनाती थी बहुत पहले, तो अब मम्मी नहीं है तो मैं बना रहा हूँ। मेरा बहुत मन कर रहा था तो मैंने प्लान बनाया था कि जिस दिन मैं घर पर रहूँगा उसी दिन मैं मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाऊँगा और सुग्गू अपना खेलने में मगन है। तो चलिए मिलते हैं आपको बना उनू के और उसके बाद सारा बना लेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मक्के की रोटी बनी है और साग कैसा बना, उसका टेस्ट कैसा है, सब बताएंगे आपको, पूरी डिटेल बताएंगे जब खाएंगे। तो अभी आपको मैं पूरा विधि दिखा रहा हूँ कैसे कैसे बन रहा है और कैसे कैसे हम बना रहे हैं। और सुग्गू भी हमारा कितना अच्छा साथ दे रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, ज़्यादा शोर नहीं कर रहा किसी चीज़ के लिए भी, खेल रहा है अपने मज़े से और किसी चीज़ की परेशानी नहीं हो रही। यहाँ पर हम आराम से बना ले रहे हैं। चलिए बना के मिलते हैं बाद में आपको। तो दोस्तों फाइनली हमारी रोटी बन के तैयार हो चुकी है, देख सकते हो मैंने प्लेट में लगा लिया है और मैंने साग ले लिया और रोटी ले लिया और मिर्ची का अचार ले लिया गांव वाला। तो चलिए दोस्तों फिर खाते हैं और खाने के बाद 12 seconds later दवाई ले गया पापा की। हाँ ले आओ दवाई, दवाई लेके आ रहा, देख लो इसको पता है कि ये वही दवाई है, ले आओ। एक पहले ही ला के दिया पत्ता दो, एक और ले आओ, जाओ एक और है ना पापा की दवाई, वो भी ले आओ। तो दोस्तों हमने खाना पीना हो गया हमारा, खाना वाना खा लिया है और मक्के की रोटी थी और साग था, देखा ही था आपने, बड़ा टेस्टी था। तो अभी देख सकते हो सुग्गू मेरा दवाई लेके आ रहा है खाने के लिए, देख सकते हो टेबल पड़ी हुई थी दवाई, गिर गई देखो उसके हाथ से,
लाओ दो। शाबाश बेटा शाबाश, उठाओ गिर गई दोबारा, उठाओ उठाओ पापा की दवाई दो। शाबाश, चलिए फिर दवाई खाते हैं और लेटते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए बाय बाय टाटा गुड नाइट। सुगु बाय कर दो, बाय कर दो, ये ढक्कन लगा दो, उस पर ढक्कन लगा दो। ये देख रही है सारी दवाई उठा के लगा के दिया है खाने के लिए, लगा दो जाओ, जाओ ढक्कन लगाओ, जाओ रोटी का डब्बा ढक दो। हाँ शाबाश, पानी ले आओ, पानी ले आओ पापा के लिए, पानी ले आओ। हाँ ले आओ पानी, गुड मेरा बेटा शाबाश, पापा को दे दो पानी ले आओ। गुड मेरा बेटा बड़ा हो जाए, शाबाश जल्दी से बड़ा हो जाए मेरा बेटा। हाँ अब ये मैंने दवाई खा ली है, अभी फेंक दो, कूड़े फेंक आओ, ये लो सुगु डस्टबिन में डाल दो, सुगु ये लो इसको डस्टबिन में डाल दो, तो पापा तो क्या दे रहे हैं, ये रख दो, ये फेंक आओ, जाओ कूड़े में फेंका, ये नहीं ये 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 सुगु ये